तो गाइस देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं और वो रहा मंदिर पीछे और यहाँ देखिए हम उतने नीचे से आ रहे हैं यहाँ टॉप पे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज मैं आपको किसी से मिलाने वाली हूँ और जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और वो शख्स है ये है हमारी ननदुआ और ये बहुत पढ़ाकू लड़की है, पर हमारी कल से हमारी इतनी बातें हो रही थी कि इनको ये भूल गई थी कि इनको पढ़ाई भी करनी है क्योंकि हम दो गपोड़ी है और गपे मारते रहते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम मिला तो ये पढ़ने लग गई है, पर उसमें भी मैं इनको डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ आ गई हूँ तो अब गाइस दिन के खाने का भी टाइम हो गया है और ये जब भी यहाँ आती हैं तो हम इनके लिए क्या बनाते हैं, मेरी फेवरेट डिश डुबके बस हम इनके लिए डुबके बना देते हैं। आज भी हम इनके लिए डुबके बनाते हैं, मतलब ये है नियम कि ये जब भी घर आती है इनके लिए डुबके ही बनते हैं तो मैंने सोचा कि क्या पता इन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद होंगे तो मैं अब वो ही बना देती हूँ तो गाइस इनको अब हम थोड़ा सा पढ़ने देते हैं। तो मैंने लहसुन भी छिल लिए हैं और अब मैं करती हूँ डुबके की तैयारी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस अभी बजे हैं शाम के, हंसू कितने बजे हैं, 5:19 तो गाइस अरे उल्टा दिख रहा है, 5:19 हो रखा है तो हम दिन में खाना खाने के बाद सो गए थे और हमें मतलब वीडियो बनाने की होश ही नहीं रही एक्चुअली वैसे बनाई भी नहीं, जब परसों आती है तो हमारी गप भी पूरी नहीं होती है क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिलते हैं ना अभी हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं नहीं मतलब इस घर के ऊपर ही घूमने जा रहे हैं, थोड़ा घूमना भी चाहिए तो हम दोनों अभी घूमने जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं घूमने के लिए। तो देखिए हर्षु आगे आगे चल रही है और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। तो गाइस हम यहाँ से होते हुए जाएंगे, बहुत झाड़ी हो रही है यहाँ, कैसे जाएंगे हम यहाँ से, कहीं कीड़े मकोड़े ना हो। हाँ कीड़े मकोड़े से डर नहीं लगता साहब, कीचड़ से डर लगता है है ना। तो ये है हमारी हर्षु जाते हुए। हर्षु इतने टाइम बाद घर आई हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए गाइस ए हे क्या है, आपका नाम क्या है? वो है इसका नाम इसका नाम वो 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 है डर गया। तो गाइस देखिए हम अपने घर से इतनी ऊंचाई में आ चुके हैं यहाँ और अब हमें जाना है उस चोटी पे, वो टॉप पे जाना है। तो गाइस देखिए हमको यहाँ चलते चलते क्या दिखे हैं, बचपन में हम इसका यूज़ करते थे एज अ मेहंदी इसे लगाते थे और बहुत अच्छे दिखते थे, ऐसा लगता था कि हमने मेहंदी लगा दी है, वाइट कलर की मेहंदी लगा लिए करके ये देखिए। तो देखिए गाइस हर्षु अपने हाथ में लगाते हुए ये है हमारी हर्षु और छप गया फाइनली तो ये रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, हमने गलत रास्ते से आ गए हम, थोड़ा सा हमने शॉर्ट के चक्कर में हमने बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता चुन लिया है, फिर भी हम यहाँ से जाएंगे ऊपर। तो गाइस देखिए फाइनली हम पहुँच चुके हैं और वो रहा मंदिर पीछे और यहाँ देखिए हम उतने नीचे से आ रहे हैं यहाँ टॉप पे, हमारा घर नीचे है, जहाँ घर दिख रहे हैं वहीं है हमारा घर। Thank you.
यहाँ कितना बड़ा सेरा है और कितनी दूराई तक ये फैला हुआ है। बहुत बड़ा सेरा है ये देखिए, और बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ का व्यू। और यहाँ से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आसमान और धरती मिलते हुए एकदम क्षितिज लग रहा है। यहाँ से क्षितिज दिख रहा है देखो। तो गाइज हमें चलते चलते यहाँ पे फूल भी दिख गए हैं, तो हम साथ में मंदिर भी है वहाँ, तो फूल भी चढ़ा लेंगे। देखिए कितने प्यारे फूल हैं ये, तो देखिए कितने प्यारे फूल हैं, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। अरे ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं यार, ये देखो अलग ही वैरायटी के लग रहे हैं। तो हमने फूल भी तोड़ लिए हैं। तो गाइज देखिए हम यहाँ टॉप पे आ चुके हैं, और तो यह है हमारा मंदिर, गोलजू भगवान का मंदिर है ये, और मैं आपको बैक पे भी दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ से हमारी मार्केट स्टार्ट होती है, बगवाली पोखर। और देखिए बगवाली पोखर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए गाइज हर्षु पहले ही पहुँच चुकी है मंदिर के अंदर। और ये हैं भगवान जी हमारे, जय हो गोलू भगवान जी, सबकी मुरादें पूरी करना, और मेरे सब्सक्राइबर की भी मुरादें पूरी करना, उनको खुशियाँ देना और सबको खुशियाँ देना। और ये है मेन गोलू भगवान जी, और यहाँ से नीचे का हमारा गांव है, अभी दिख रहा है ये है देखिए, ये हमारा पूरा हमारा गांव है। और टॉप पे हम आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी हवा आती है, मतलब यहाँ पर घूमने का बहुत अच्छा है, और यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा लगता है। तो अब हम भगवान जी को फूल भी चढ़ा लेते हैं। गेट तो बंद है, यहाँ लॉक लगा हुआ है, इसलिए हमने ऐसे चढ़ा दिया है। जय हो प्रभु। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हवा आ रही है, और इतनी देर तक हम फोटो ही सेशन करने में लगे हुए थे, और हमारी हर्षू की मैंने इतनी फोटो खींची है, इतनी फोटो खींची है। नहीं फिर भी नफ नहीं है। मेरी भी खींची है, ऐसा नहीं है, हम दोनों ने खींची है बहुत सारी फोटो। और मैंने कहा फिर देर भी हो रही है, एक्चुअल में कल क्या हुआ था पता है, हम दोनों बातें करते रह गए और हमें इतनी लेट हो गई खाना बनाने में, बहुत ज़्यादा। आज दिन में भी ऐसी हुआ, तभी तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो अभी हम जल्दी जल्दी घूम के फिर हम जल्दी चले जाएंगे, फिर खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे, वरना बहुत लेट हो जाती है हमें खाना बनाने में, फिर मारते रहेंगे गप, हम दो गपोड़ी। ये है हर्षु, ये है मेरी ननद, ननद भाभी। तो गाइज हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं, और अब हम ऊपर एक और मंदिर है, हरजू की धुनी है वहाँ, तो वहाँ भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ इतनी प्यारी प्यारी हवा आ रही है ना, मतलब हम तो आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, पर मन ही नहीं कर रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठे रहे हैं। और एक तो आपको पता ही है मंदिर का जो एनवायरनमेंट होता है कितना अच्छा लगता है, और साथ में इतनी प्यारी प्यारी सी हवा हो। तो गाइस देखिए वहाँ है मंदिर, और अब हम चलते हैं, चलते खेलते घूमते हरजू की धुनी की ओर को हम जा रहे हैं। गाइस देखिए ये है हमारा हरजू का मंदिर, और कितना प्यारा है देखिए, कितनी अच्छी जगह में बनाया हुआ है ये हमारे गांव का हरजू का मंदिर। और इसकी हरजू की धुनी मंदिर के अंदर है, अभी वो लॉक है। तो अभी हम यहाँ पे अपनी चप्पल उतार लेते हैं, और ये है देखिए, जय गुरु गोरखनाथ, जय हरजू महाराज।
यहाँ अभी तो यहाँ हवा नहीं आ रही, बहुत अच्छा है। देखिए इतना प्यारे प्यारे से मंदिर को डेकोरेट किया हुआ, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ एक दो दिन पहले यहाँ पूजा भी थी, हरजू की मम्मी यहाँ अंदर है। तो ये देखिए, दिखाइए अंदर का नज़ारा, ये है हरजू की धुनी। और यहाँ बहुत अच्छी बहुत बड़ी पूजा होती है, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले पूजा हुई थी यहाँ। तो ये भी है हमारे गांव का मंदिर, और यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और देखिए जब यहाँ पूजा होती है तो यहाँ खाना बनता है, और यहाँ ये मंदिर की रसोई है। जब जब ज़्यादा बड़ी पूजा होती है तो यही खाना बनता है। तो ये देखिए रसोई भी कितनी साफ सुथरी बनाई हुई है लिपाई करके। और ये हूँ मैं। तो चलिए मंदिर भी देख लिया है पूरा, मच्छर भी काट रहे हैं हम, बहुत मच्छर हो रहे हैं। यहाँ देखो कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं, वाह। दिस इज जैस्मिन। देखिए गाइस यहाँ पे चमेली का भी पेड़ उगा हुआ है, और इसमें कितने प्यारे प्यारे से फूल खुशबू आ, ऐसा लग रहा है कि चमेली का तेल दे दिया हो किसी ने हाथ में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और तो चलिए चलते हैं हम आगे को चमेली की फूल की खुशबू लेते हुए। और देखिए जय हो प्रभु, ये वाला पेड़ हमारे यहाँ भी है ना, हमारे घर पर लगा रखा है। तो ये है हमारा मंदिर, और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा। तो अब देर हो रही है तो हम चलते हैं। अरे मेरा फूल भी उड़ गया, देखिए अब कुछ नहीं बचा। तो चलिए चलते हैं अब हम घर को। तो देखिए यहाँ पे जामुन का भी इतना बड़ा पेड़ है, और हरसू जामुन की तलाश में गई है। है क्या जामुन? नहीं, नहीं मिले एक भी, क्योंकि बंदर बहुत आते हैं और सारे जामुन वही खा गए, वरना इतना बड़े पेड़ में तो कितने सारे जामुन होते होंगे ना। हाँ एक भी नहीं दिख रहा है पेड़ में, ये देखिए कहीं भी नजर नहीं आ रहा है जामुन। है तो बहुत बड़ा पेड़ यार ये। तो देखिए गाइस यहाँ से अब दूसरा गांव स्टार्ट हो जाता है, ये है, और उधर और दूसरा गांव है। तो और इस साइड को मंदिर के फ्रंट साइड हमारा गांव स्टार्ट होता है, और यहाँ से बैक साइड से दूसरा गांव स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमें लेट हो रही है, तो चलिए अब हम जाते हैं हम घर को। और ये है हरसू, कैसा लगा घूमकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। गाइज अभी हमको लेट हो गई है, और आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो तब तक के लिए बाय बाय।